class of UKG subject GS. Today we will learn about my family. So student, what is family? Family क्या होती है? आप सभी को पता है क्योंकि आप लोग क्या करते हैं? अपनी family के साथ रहते हैं. आपकी family में कौन-कौन होगा? आपके parents होंगे, grandparents होंगे, brother होंगे, sister होंगी आपकी. और कुछ लोग क्या करते हैं? कुछ लोग तो joint family में रहते हैं. उनकी family में कौन-कौन होता है? उनकी family में parents और अपने brother sister के साथ-साथ उनके uncle होते हैं, aunt होती हैं और उनके cousin होते हैं. ठीक है? आज हम पढ़ेंगे family के बारे में. My family मतलब मेरी family या फिर मेरा परिवार. ठीक है? Family किसे बोलते हैं बच्चों? Family is a group of people in which mother, father, grandparents and their children. मतलब family क्या होती है? जिसमें mother होती हैं, father होते हैं, grandparents होते हैं और क्या होते हैं? उनके children होते हैं. उसे क्या बोलते हैं? My family. ठीक है? तो family हम कहाँ से start करेंगे? फैमिली हम स्टार्ट करेंगे ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स मींस जैसे आपके दादाजी और दादी. ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं आपके फादर और मदर. मतलब जो आपके फादर होते हैं उनके पेरेंट्स को और जो आपकी मदर होती हैं उनके पेरेंट्स को हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. सो व्हाट इज ग्रैंड पेरेंट्स? दादा और दादी क्या होते हैं? जो आपके फादर और मदर के पेरेंट्स होते हैं. ठीक है? उसे हम क्या बोलते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स बोलते हैं. ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आते हैं आपके फादर और मदर. क्योंकि सबसे बड़े आपके घर में कौन है? आपके ग्रैंड पेरेंट्स है ना. ग्रैंड पेरेंट्स के बाद कौन है? आपके पेरेंट्स हैं. तो जो फादर और मदर होते हैं उनको जॉइंटली हम क्या बोलते हैं? पेरेंट्स बोलते हैं. ठीक है? मतलब जो आपके मम्मी और पापा हैं अगर हम उन्हें एक साथ बोलेंगे तो एक साथ हम उन्हें क्या बोलेंगे? पेरेंट्स बोलेंगे एक साथ. ठीक है? अब आपको पता लग गया कि जो आपके फादर और मदर के पेरेंट्स हैं वो क्या होते हैं? ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं. जो आपके फादर और मदर हैं वो क्या होते हैं? वो पेरेंट्स होते हैं. ठीक है? अब हम बताते हैं फादर और मदर के चिल्ड्रन के बारे में, बच्चों के बारे में. ठीक है? जो फादर एंड मदर का बॉय होता है बॉय को क्या बोलते हैं? सन. ठीक है? और जो फादर एंड मदर की गर्ल होती है उसको क्या बोलते हैं? डॉटर बोलते हैं. ठीक है? इट मींस अगर आप बॉय हैं तो आप अपने पेरेंट्स के सन हैं और अगर आप डॉटर गर्ल हैं तो आप अपने पेरेंट्स के डॉटर हैं. ठीक है? अब फिर जो ये बॉय और गर्ल हैं वो दोनों आपस में क्या होंगे? ब्रदर एंड सिस्टर होंगे. जैसे आप लोग हैं ना, आपकी जो किसी का भाई है किसी की बहन है तो उन्हें क्या बोलते हैं? ब्रदर एंड सिस्टर बोलते हैं. ठीक है? एक बार हम फिर से देखते हैं आपकी फैमिली में सबसे बड़ा कौन होता है? ग्रैंड पेरेंट्स. ग्रैंड पेरेंट्स मींस जो आपके फादर एंड मदर हैं उनके भी पेरेंट्स वो होते हैं आपके ग्रैंड पेरेंट्स. ठीक है? ग्रैंड पेरेंट्स के बाद आते हैं फादर एंड मदर. फादर एंड मदर कौन होंगे? फादर एंड मदर को एक साथ क्या बोलेंगे? पेरेंट्स बोलेंगे. ठीक है? फादर एंड मदर के बाद क्या आएंगे? जो बॉय होगा उसे बोलेंगे सन और अगर गर्ल होगी तो उसे बोलेंगे डॉटर. इट मींस फादर और मदर के बाद होता है बॉय एंड गर्ल, मींस सन एंड डॉटर. और जो ये बॉय और जो गर्ल हैं ये भी आपस में क्या हो जाएंगे? ब्रदर एंड सिस्टर होंगे. अगर बॉय बॉय हैं तो वो दोनों ब्रदर होंगे, गर्ल गर्ल हैं तो वो दोनों सिस्टर होंगे. लेकिन अगर बॉय हैं और गर्ल हैं तो वो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे? ब्रदर एंड सिस्टर हो जाएंगे. ठीक है चिल्ड्रन? तो आपको पता लग गया माई फैमिली में कौन कौन होगा? फैमिली में ग्रैंड पेरेंट्स, फादर एंड मदर मींस पेरेंट्स, सन अ बॉय एंड डॉटर गर्ल, एंड बॉय एंड गर्ल आर ब्रदर एंड सिस्टर. सो दिस इज द फैमिली ट्री एंड यू हैव टू मेक दिस फैमिली ट्री इन योर फेयर नोटबुक. ओके? थैंक यू स्टूडेंट.